तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो क्या दोस्तों, जब भी आप अपने स्मार्टफोन में ऐप ड्रावर ओपन करते हैं तो सर्च बार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। पहले आपको Xiaomi यानी कि Redmi, MI और Poco के फ़ोन्स में एक डेडिकेटेड बटन दिया गया था इसको डिसेबल करने के लिए, लेकिन अभी वो बटन हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे इसे डिसेबल करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है अपने स्मार्टफोन में। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, इस ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। और उसके बाद आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ से आपको मैनेज ऐप्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सभी ऐप्स मिल जाएंगे आपके स्मार्टफोन के। तो यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करके एक ऐप को ढूंढना है, सिस्टम लॉन्चर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टम लॉन्चर ऐप है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और उसके बाद आपके सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो इस पेज पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टोरेज का, तो आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये स्टोरेज की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो इस पेज पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर डाटा का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको क्लियर ऑल डाटा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद सिंपली इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि अभी मैं इसे ओके करके क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद आपके सिस्टम लॉन्चर ऐप का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा और इसकी सभी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएंगी। ऐसा करने से आपके स्मार्टफोन से किसी भी टाइप का डाटा लाइक वीडियोस या फिर फोटो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। इससे बस आपके जो होम स्क्रीन पर ऐप्स हैं वो डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएंगे। और या फिर अगर आपने कोई ट्रांजिशन इफेक्ट या फिर विजिट का यूज़ किया होगा तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन ऐप्स की पोजिशन चेंज होकर डिफ़ॉल्ट पे सेट हो गई है। और जैसा कि अभी मैं आपको ऐप ड्रावर ओपन करके दिखा देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी टाइप का सर्च बार ओपन नहीं हो रहा है ऐप ड्राइवर को ओपन करने से। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों फिक्स हो गई है। तो ऐसे ही आप भी दोस्तों अपने स्मार्टफोन में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। और अगर आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।